Hello students, I hope you all are doing good and safe at your home. In the last class, हमने discuss किया था parallel plate capacitor, energy stored in capacitor, capacitance of parallel plate capacitor with dielectric or without dielectric medium. So इस class में वो हम सिर्फ एक capacitor की बात की थी capacitance की, ठीक है. अब इस class में हम कहीं कहीं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ऐसा नहीं है कि एक कैपेसिटर यूज होता है, कि बहुत सारे नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हम यूज करते हैं, तो उनको कंबाइन करना पड़ता है, ग्रुप करना पड़ता है, ठीक है. सो उस कॉम्बिनेशंस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि कैपेसिटर को कैपेसिटर के साथ कंबाइन करने से उसकी कैपेसिटेंस बढ़ भी सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है. तो जैसे आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है रेजिस्टेंसेस के केस में, कि रेजिस्टेंस को सीरीज में पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, कैसे उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, वो सब बातें आपने लास्ट क्लासेस से अपनी सीख रखी है, ठीक है. वो भी हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट चैप्टर, जो रेजिस्टेंस की बात होगी. बट नाउ हम यहाँ पे कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, तो कैपेसिटर को कैसे कंबाइन किया जाता है, ठीक है, कि कैसे हम एक कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कंबाइन करते हैं और कैसे उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज कर सकते हैं और कैसे उसकी कैपेसिटेंस को डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है. सो मार्केट में या हमारे घर पे जो भी कोई कोई कैपेसिटर है, तो उसकी कैपेसिटेंस हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है. तो हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं या तो नया कैपेसिटर लेके बिग कैपेसिटेंस का, या एक दो एक से ज्यादा कैपेसिटर को कंबाइन करके उसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है. तो इस क्लासेस में ये सीखेंगे हम, ठीक है. तो मेनली अभी तक हम टू कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकंड इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है. ये मैंने पहले डायग्राम बना रखी है, ये आपके थ्री कैपेसिटर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट सेकंड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट, थर्ड कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट, थर्ड कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट. ये आपके थ्री कैपेसिटर्स हैं, हैविंग कैपेसिटीज C1, हैविंग कैपेसिटीज C1, C2, देन C3. सो दिस इज ए वायर, दिस इज ए वायर कनेक्शन, ठीक है. सो दिस इज बैटरी सम सप्लाई. सो आपको पता है कि सीरीज में हम सिर्फ प्रीवियस नॉलेज यूज करेंगे, हमें पता है. अगर आपके बेसिक्स क्लियर है प्रीवियस क्लासेस के, नहीं भी क्लियर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. आप याद रखिए कि सीरीज में करंट इज ऑलवेज सेम, ठीक है. करंट क्या रहता है आपका, सेम करंट, पॉजिटिव नेगेटिव. जैसे वैसे अभी करंट की बात हम इस क्लास में नहीं करेंगे, कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक की बात कर रहे हैं अभी हम. तो नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी करंट में आएगा, करंट की बात. पर समझने के लिए इजी वे से कि करंट इन सीरीज इज सेम एंड करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज. तो चार्ज आपका हर कैपेसिटर पे कितना रहेगा, यहां पे सेम रहेगा, ठीक है. सो चार्ज इज सेम थ्रू आउट सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है. तो आप बेसिक एक बात याद रखिए, करंट सेम होने के कारण चार्ज इज सेम इन ऑल सीरीज कैपेसिटर्स. या यहां पे नोट करते जाना बेसिक पॉइंट्स, ठीक है. तो आपका करंट सेम होने के कारण चार्ज सेम है, ठीक है. तो चार्ज इज सेम थ्रू आउट कितने भी कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हो, ठीक है. सो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट अटैच डायरेक्टली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू द सेकंड फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर, देन अगेन इन द नेक्स्ट कैपेसिटर, ठीक है. सो डायरेक्टली अटैच होती है विदाउट एनी, यहाँ पे रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए रास्ते में, कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए, और डायरेक्टली कनेक्ट होंगे यहाँ पे, तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है. तो चार्ज इज सेम इन और सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है. और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल इज डिफरेंट अक्रॉस ईच कैपेसिटर. जैसे टोटल पोटेंशियल कितना है बैटरी का, वी वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना होगा, सो दिस पोटेंशियल इज डिवाइडेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है. डिवाइड कैसे होगा, डिपेंडिंग अपॉन इट्स कैपेसिटी, कि किस कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है. सो दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड. तो हमने कंसीडर कर लिया कि फ्रॉम दी
supply voltage V. V1 is across capacitor C1, V2 is across capacitor C2, V3 is across capacitor C3. Clear? अब ये okay, अब इसको हम इसका combination का जो capacitor series में attach किए, हमने तीन capacitor series में attach किए, तीन भी करो, चार भी करो, कितने भी करो, हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है? उसी नेट कैपेसिटेंस को हम क्या बोलते हैं, नेट कैपेसिटेंस, नेट और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये ध्यान में रखना। आगे आगे हम इक्विवेलेंट सर्किट भी बनाएंगे, ठीक है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है? सो वही हमें फाइंड करनी है इन ईच केस, इन सीरीज के केस में और पैरेलल के केस में, ठीक है? तो चलिए सीरीज केस का हम छोटा सा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, है ना? तो यहां पे देखिए कौन डिवाइड हो रहा है, सो दिस पोटेंशियल सप्लाई वोल्टेज इज डिवाइडेड अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सो दिस अप्लाई वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर 1, 2, 3, ये जरूर होना चाहिए अगर कोई लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल नहीं है, ठीक है? सो आइडियल केस, ठीक है? तो ये है हमारा अप्लाई सप्लाई वोल्टेज, सो is equal to sum of all the voltages across the each capacitor. Okay, तो हमें ये हो गया हमारा net capacitance, equivalent capacitance, series voltage. तो यहाँ पे also हमें पता है कि Q is equal to CV. ये हमें already clear है, हमें पता है basic principle of capacitor. तो देखिए first capacitor के लिए हम लिख सकते हैं हमें V चाहिए, तो V क्या होगा, Q by C, ये अभी हमने सिंपल फॉर्मूला लिखा है. तो फोर फर्स्ट कैपेसिटर V1 इज इक्वल टू चार्ज, तो सबके ऊपर क्या है चार्ज, हमने स्मॉल Q ने ये फॉर्मूला लिखा है, जस्ट फॉर्मूला फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है? तो V1 फर्स्ट कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज Q, कैपेसिटेंस C1, सिमिलरली V2 Q by C2, सिमिलरली V3 Q by C3, क्लियर? ये सिंपल बेसिक्स ऑफ कैपेसिटर यूज किया, तो ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में यूज करो, सबकी वैल्यू V इज इक्वल टू Q by C1, Q by C2, Q by C3, ओके? सो दिस इज योर इंडिविजुअल कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हमने फाइंड आउट कर ली ईच कैपेसिटर. तो दिस इज नेट पोटेंशियल अक्रॉस सर्किट, जो टोटल वोल्टेज है, तो टोटल वोल्टेज का भी फॉर्मूला क्या रहेगा, यही रहेगा. सो टोटल वोल्टेज का मिलेगा तो क्यू बाय सी, दिस इज योर नेट, दिस इज योर नेट, से आप इक्विवेलेंट भी ले सकते हो, ठीक है? सो इक्विवेलेंट के ऊपर भी, टोटल सर्किट के ऊपर भी अप्लाई कर दिया हमने सेम एक्सप्रेशन, ठीक है? फॉर द होल सर्किट, फॉर द इंडिविजुअल कैपेसिटर, क्लियर? तो यहां से देखिए आप Q कॉमन लीजिए, Q कॉमन आ जाएगा, एंड C नेट या C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C2, 1/C3, एंड आगे अगर कैपेसिटर बढ़ते जा रहे हैं तो आपकी नेट कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होती जाएगी, 1/C4 अगर फोर्थ कैपेसिटर है, ठीक है? तो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया कि 1/C नेट या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दिस 1. क्लियर? ये तीन कैपेसिटर की है, 4-3 कैपेसिटर्स, ठीक है? अगर आप यहां पे टू कैपेसिटर्स की बात करते हो तो टू कैपेसिटर्स के लिए कितनी होगी, 1/C1, 1/C2, 2 तक जाओ, ठीक है? तो इसको सॉल्व कर लो, 2 के लिए C1 प्लस C2 1/C नेट, ठीक है? 1/C नेट, हमें 1/C नेट नहीं चाहिए, हमें सी नेट चाहिए, इक्विवेलेंट नेट कैपेसिटेंस चाहिए हमें. तो यहां से नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया, रेसिप्रोकल कर दो, C1/C2, ये टू कैपेसिटेंस का है, ठीक है? सो दिस इज 4, 3 कैपेसिटर्स, ठीक है? तो 4, 2 कैपेसिटर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि आगे प्रॉब्लम लेंगे, अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे. सी नेट कितना होगा टू कैपेसिटेंस के लिए, इसको आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, ठीक है? 2 के लिए, ओके? सो दिस इज योर 4, 2 कैपेसिटर, ठीक है? इसको डायरेक्टली याद करो आप, 2 कैपेसिटर्स के लिए मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, M/A, सो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन आप याद कर सकते हो.
इस फॉर्मूले को, अब याद करने की जरूरत भी नहीं है इसको, याद को यार अपने आप निकल जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन। अभी इसको यूज कर देते हैं हम, ठीक है, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है, सिंपल लेस्ट एग्जांपल देते हैं। कंसीडर टू कैपेसिटर्स हैवी कैपेसिटेंसेस, C1 आप ले लो 3 माइक्रोफेरेड, C2 आप ले लो से 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है, दोनों को लगा दो आर इन सीरीज। क्वेश्चन है आपका आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मैं टू लेके सॉल्व कर रहा हूं प्रॉब्लम को एग्जांपल, ठीक है। आगे चलेंगे मिक्स प्रॉब्लम्स की तरफ, तब जाके मजा आएगा, ठीक है। अभी बेसिक समझ लो आप सीरीज पैरेलल का, तो आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप देखिए सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला डायरेक्टली अवेलेबल है, ये याद नहीं है हमारे, तो ये तो पता ही है सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला लगाओ, नेट कैपेसिटेंस कितनी आई, क्वेश्चन ही नहीं है कि टू कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फाइंड दी नेट कैपेसिटेंस, फाइंड दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं, C1 ओवर 2 एंड 2 तक जाओ, सी नेट कितना आएगा 1 ओवर 3 1 ओवर 4, यूनिट बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करो एलसीएम 12 4 4 3 1 ओवर सी नेट, तो सी नेट कितना आ गया बेटा 12 ओवर 7 माइक्रो, पुल कर दोगे ना रेसिप्रोकल को 12 ओवर 7 माइक्रोफेरेड। इसको और सॉल्व कर लो तो कंक्लूजन क्या निकलता है मैं वो बताना चाहता हूं आपको, 7 1 7 9 1, ठीक है, दिस इज दिस मच माइक्रोफेरेड, क्लियर। एंड दिस नेट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन C1 and C2। आप ध्यान दे सकते हो कि 1 ओवर दिस कैपेसिटेंस जो आपकी 3 माइक्रोफेरेड से भी लेस है और आपकी 4 से तो होगी ही लेस डेफिनेटली, ठीक है। तो यहां पे एक और पॉइंट का कंक्लूजन निकल के आ रहा है, क्या, कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन दी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, ठीक है। इंडिविजुअल कितने भी कैपेसिटर लगा दो आप सीरीज में, 10 12 15 20 कितने भी लगा दो, अलग अलग कैपेसिटेंस के लगा दो, जब आप नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करोगे दैट इज ऑलवेज लेस देन ईच ऑफ दी सीरीज कैपेसिटर, ठीक है। तो हर कैपेसिटर से आपकी एक कंक्लूजन है बेटा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बातें काम आती है ये, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स ये हमें ध्यान में रखने हैं प्रॉब्लम्स के लिए, कि सीरीज में चार्ज क्या रहता है सेम, ठीक है, पोटेंशियल इज डिफरेंट, ये पुरानी बातें हैं सारी, सीरीज में करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो करंट इज ड्यू टू चार्ज, तो चार्ज इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड योर पोटेंशियल इज डिफरेंट। सो सीरीज का फॉर्मूला रेसिप्रोकल करके ऐड कर दो, सो दिस इज नेट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड जो आपकी रिजल्ट आएगा दैट नेट कैपेसिटेंस ऑलवेज लेस देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कैपेसिटर, हर हमेशा लेस देन होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अपने माइंड में आप रखो। तो ये छोटी सी एग्जांपल जो मैं कंक्लूजन तक पहुंचना चाह रहा था, ये इंडिविजुअल एग्जांपल है सीरीज की। अभी पैरेलल की बात करेंगे, फिर मिक्स की बात करते हैं, कि अगर दोनों इकट्ठे हो सीरीज पैरेलल में सिंगल सर्किट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना बेटा, ओके। तो ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल की तरफ, ये हमारा केस सॉल्व हो चुका है, ठीक है, क्लियर। तो ये बातें याद रखना, पैरेलल की तरफ आ जाओ। अब देखिए पैरेलल में क्या किया, पैरेलल में सप्लाई अक्रॉस ईच कैपेसिटर, सो दिस इज ए कैपेसिटर, से पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट ये भी नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, बिकॉज दिस इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव एंड दिस इज टू दी नेगेटिव एंड। अब देखिए यहां से पाथ क्या हो रहा है, करंट ऐसे जाएगा अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पाथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। पाथ चेंज होने का मतलब क्या है, यहां पे जंक्शन पॉइंट मिल गया ना, जंक्शन से क्या होता है कि यहां पे सारे पॉइंट्स आके मिलते हैं, है ना, तो यहां पे सारे पॉइंट्स आके मिल रहे हैं, ठीक है, तो यहां से अलग अलग भी हो रहे हैं, रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, पास अलग अलग हो रहे हैं, तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर, कुछ इधर, डिपेंडिंग अपॉन दी कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर, C1 C2 से C3 तीनों अलग अलग कैपेसिटेंस, इसलिए
कैपेसिटर लिए पैरेलल में लगाया, पैरेलल में कैसे हैं वो, हाउ दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज देयर पाथ आर डिफरेंट टू दी सप्लाई। सप्लाई के लिए पाथ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। यहां देखिए सप्लाई के लिए पाथ क्या है आपका, सेम पाथ है, ठीक है। तीनों डिवाइसेज आपके, तीनों कैपेसिटर आपके सेम रास्ते पे लगे हुए हैं, दैट इज इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो यहां पे क्या है आपका, जो आपके पाथ क्या है सप्लाई के लिए, तीनों अलग अलग पाथ पे हैं, दैट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो पैरेलल में क्या होगा, करंट अलग अलग जाएगा डिपेंडिंग अपॉन दी कैपेसिटी, ठीक है। तो करंट अलग अलग होने का मतलब यहां पे चार्ज क्या हो जाएगा, अलग अलग, से क्यू वन से क्यू टू से क्यू थ्री। बट एक बात ध्यान रखना, तीनों को सप्लाई किया जाएगी सेम, ठीक है, समझ रहे हो ना, क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों की जो पोटेंशियल है दैट रिमेन्स सेम। तो सी वन के लिए भी वी पोटेंशियल, सी टू के लिए वी पोटेंशियल, सी थ्री के लिए भी वी पोटेंशियल ही रहेगा इन दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में क्या हुआ, चार्जेस आर डिफरेंट, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, ठीक है। तो यहां पे लिख लो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट, क्या लिखना है, डिफरेंट एंड पोटेंशियल, वेरी गुड, या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किया है, ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, बिल्कुल रिवर्स केस है, ठीक है, बिल्कुल ही रिवर्स केस हो गया। तो यहां पे चार्ज क्या है, डिफरेंट है, एंड पोटेंशियल क्या है आपका, सेम अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कितने भी लगा लो आप पैरेलल में, पर पाथ अलग अलग होना चाहिए तभी वो पैरेलल में होंगे, ठीक है। अब इसका नेट एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए पैरेलल की तरफ आइए, तो पैरेलल में देखिए क्या डिवाइड हो रहा है, यहां से टोटल चार्ज क्यों सप्लाई दे रहे हैं, भाई बैटरी का काम क्या है, टू सप्लाई चार्ज, टू चार्ज दी कैपेसिटर, यहां से चार्ज सप्लाई होगा। तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना सप्लाई हो रहा है, क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, टोटल चार्ज क्यों सप्लाई हो रहा है, और क्यों चार्ज तीनों कैपेसिटर पे डिफरेंट डिफरेंट है, सो दिस इज डिवाइडेड इन टू दी ईच कैपेसिटर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी कैपेसिटीज, ओके। सो फिर से वही, वी नो, हमें पता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, क्यू इज इक्वल टू सी वी, ये सिंपल मैंने भी फॉर्मूला लिखा जैसे लास्ट केस में लिखा था। सो ईच कैपेसिटर के लिए अप्लाई करो इंडिविजुअल कैपेसिटर पे, फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्यू वन इज इक्वल टू सी वन, पोटेंशियल कितना रहेगा वी, बिकॉज अक्रॉस पोटेंशियल वी है, क्यू टू कितना रहेगा सी टू वी, क्लियर, एंड क्यू थ्री कितना होगा, That is again C3V, clear? Potential same? Okay. So put कर दो ऊपर values. Q is equal to C1V, C2V plus C3V. Three capacitor, तीनों का individual apply कर दिया. Then comes to the left hand side. This is what? This is the net charge supplied by the battery. And this net charge के ऊपर भी formula यही लगेगा. तो यहाँ पे formula लगाओगे तो कितना आएगा? C नेट क्यू इज इक्वल टू सी, कितना आएगा वी पोटेंशियल, सी वन वी, सी टू वी, सी थ्री, क्लियर। अब यहां से वी वोल्टेज कॉमन ले लो और आपका नेट पोटेंशियल, सॉरी नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट है, ठीक है। सो पैरेलल में ये समझ गए ना, यहां से आप v कॉमन लोगे, सो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो नेट कैपेसिटेंस आपकी आ गई सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, टू है तो टू ऐड कर दो, थ्री है थ्री, थर्ड ऐड हो जाएगा, फोर्थ है तो फोर्थ ऐड कर दो, तो आप टू अपू जितने भी पैरेलल में लग रहे हैं जितने बढ़ाते जाओगे उतने ऐड करते जाओ। तो सिंपल हम पैरेलल में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और एक बात और ध्यान रखो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि, तो अभी अगर हम रेजिस्टेंस से कंपैरिजन करें जो आपने 9th टेंथ में करके आए हो आप, ठीक है, उस केस में क्या था, रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगाते हैं तो आपका डायरेक्टली ऐड होता है, और रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगाते हैं तो आपका रेसिप्रोकल करके ऐड होता है। बिल्कुल उल्ट केस है रेजिस्टेंस का सीरीज एंड पैरेलल से, ठीक है ना।
तो कैपेसिटर अभी ध्यान रखो, रेजिस्टेंस पे अभी पहुंचेंगे बाद में, अभी नहीं पड़ा पीछे कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे सब प्रॉब्लम्स हमें कंफ्यूजन डाउट सब क्लियर कर देने हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। और एक बात और हम यहाँ पे प्रूव कर दें एग्जांपल से, जो हमें कंक्लूजन एग्जांपल भी हो जाए जी। और ये तो लिख रहा है दोनों भी चार्ज डिफरेंट है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट करो, एग्जांपल लेते हैं, सी वन से ले लीजिए आप 3 माइक्रोफेरेड, सी टू ले लीजिए 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो आप फाइंड दी कंसीडर टू कैपेसिटेंस C1 and C2 are connected in series parallel combination. Find the net capacitance or equivalent capacitance. तो इसकी net capacitance कैसे find out करेंगे भाई? C1 plus C2 directly add कर देंगे, कितने रहेगी? 7 microfarad. इसमें तो ज़्यादा number जोड़ा कुछ करने का है ही नहीं, कितने भी add कर directly add को करना है। तो this 7 microfarad आप ध्यान दो is always greater than C1 and C2. इंडिविजुअल कैपेसिटर से हमेशा 7 माइक्रोफेरेड देखो 3 से भी ज्यादा है, ठीक है, एंड 4 से भी ऑब्वियसली ज्यादा है, ठीक है। तो हमेशा जैसे उस केस में क्या था आपका कि नेट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज लेस देन दी सी नेट इज ऑलवेज लेस देन C1 इज ऑलवेज लेस देन C2 इज ऑलवेज लेस देन C3, इंडिविजुअल कैपेसिटर से हमेशा लेस देन होगी। और इस केस में जो आपकी नेट कैपेसिटेंस होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन C1 C2 C3 हमेशा ग्रेटर देन होगी, ठीक है, ओके, क्लियर। तो ये था हमारा सिंपल बेसिक सी बातें फॉर सीरीज फॉर पैरेलल के लिए, ठीक है। बट नाउ लेट अस कंसीडर ए सिंपल एग्जांपल हैविंग सीरीज एंड पैरेलल बोथ मिक्स कॉम्बिनेशन से। तो आप इसको लिखे रहने दो, डायग्राम रेज कर देते हैं, सीरीज की हमें अब नहीं चाहिए, हमें पैरेलल की डायग्राम भी नहीं चाहिए, क्लियर, हमें ये भी नहीं चाहिए, हमें बस कंक्लूजन्स की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। कंक्लूजन्स आप दोबारा फिर से एक बार नोट कर सकते हो, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, ये बातें ध्यान में रखो। ये सारा कंक्लूजन है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन का, दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड दिस इज फॉर योर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का है। तो ये सारे बेसिक्स आप ध्यान में रखिए, अगर ये बेसिक आप ध्यान में रखोगे ना तो कोई भी प्रॉब्लम मिक्स कॉम्बिनेशन में जाकर के, आगे बहुत से कॉम्प्लेक्स सर्किट्स आएंगे, हमें पहचानना पड़ेगा कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, तो उनको करने के लिए हमें ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेसिक सी जो हमारी है मिक्स कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन की एग्जांपल हम ले लें यहाँ पे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमें सीरीज भी मिलेगा और पैरेलल भी मिलेगा, ठीक है। तो ड्रा करते हैं डायग्राम सिंपल, ठीक है, यहां से ले लो आप, दिस इज योर 1 कैपेसिटर, दिस इज योर 2nd, दिस इज योर 3rd कैपेसिटर एंड दिस इज योर सेम एनीवेयर, दिस इज योर सेम 4th कैपेसिटर एंड दैट इज कनेक्टेड इट टू ए सप्लाई बैटरी से V पॉजिटिव नेगेटिव, इसको C1 ले लो, C2 ले लो, C3 ले लो, C4 ले, क्लियर। तो ये ओनली सीरीज कंक्लूजन, ओनली पैरेलल कंक्लूजन, अब इस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये सारे बेसिक यूज करके, क्लियर। क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है यहाँ पे। तो अब ये बेसिक क्लियर होंगे तो सब हो जाएगा, ओके। तो ये वी पोटेंशियल, अब यहां पे गिवन है हमारे, हमें C1 एंड C2 बोथ आर इक्वल हैविंग 100 से पीको फैरेड, कितना है इसकी कैपेसिटेंस, कितनी है C1 C2 की 100 पीको फैरेड, और C3 C4 की कैपेसिटेंस कितनी है 200 पीको फैरेड, क्लियर।
और जो पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है V, दैट इज योर 600 वोल्ट, ये पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये गिवन पैरामीटर्स हैं फॉर दिस मिक्स कॉम्बिनेशन। हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और नेट कैपेसिटेंस, भाई इसको नेट कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। फाइंड दी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आल्सो चार्ज एंड आल्सो चार्ज एंड क्या फाइंड करना है यहां पे, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ठीक है। हमें ये फाइंड आउट करना है बेटा इस प्रॉब्लम से, इस कॉम्बिनेशन से। हमने पहले तो क्या निकालना है, नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, देन हमें क्या चाहिए अक्रॉस ईच कैपेसिटर के, हर कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा, हर कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर। तो पहले तो हम इसके ना स्टेप बाय स्टेप इक्विवेलेंट सर्किट्स ड्रा कर देते हैं। अभी ये फिर से मैं लिखा रहने दिया क्योंकि आप ध्यान में रख लो, चार्ज इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, पोटेंशियल इज डिफरेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ओके। सो पैरेलल के लिए चार्ज इज डिफरेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड पोटेंशियल इज सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए पहले तो हमें ना इस सर्किट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इस सर्किट की पूरी नेट कैपेसिटेंस, फाइनल कैपेसिटेंस कितनी होगी, ठीक है, अक्रॉस दिस चारों कैपेसिटर्स की। चार कैपेसिटर दिख रहे हैं ना हमें, भाई ये बैटरी है, ये कैपेसिटर सिंबल है, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स की लेंथ सेम रहती है, बैटरी की एक लेंथ बड़ी एक छोटा टर्मिनल होता है, ठीक है, छोटा नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं ना। अब देखिए यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यहां से चलिए आप, एक सिंगल पाथ है, यहां पे जब आप आओगे सो यहां से टू पाथ क्रिएट होने शुरू हो गए, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। और इस पाथ पे सिंगल कैपेसिटर है और इस पाथ पे आपके टू कैपेसिटर है। अब यहां से देखिए, यहां से अगर चलोगे यहां तक तो रास्ते में सिर्फ दो कैपेसिटर्स हैं और कुछ भी नहीं है, सो मीन्स ये दोनों कैपेसिटर एक ही पाथ पे हैं, एक ही रास्ते पे हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके सीरीज में। तो आगे चलिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट, जैसे जैसे मैं आगे आगे सर्किट बनाता जाऊंगा वो इसके इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वन जो सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कौन सा बनेगा, सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ गिवन सर्किट, ये देखिए, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल सेम, ये सी वन है, ये आपका सी टू, ठीक है, ये सी वन सी टू, ये सी थ्री सी फोर कहां गए, सीरीज होने के बाद सी थ्री फोर नाम दे दिया इसको, नया कैपेसिटर बन गया क्योंकि ये दोनों ऐड हो गए, अभी तो प्रॉब्लम की ना हमने, टू कैपेसिटर सीरीज पैरेलल, ये सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है, कैपेसिटेंस हमें दे रखी है सी थ्री सी फोर की, और सीरीज में हमें पता है कि सी थ्री फोर, साथ में हम कैलकुलेशन करते जा रहे हैं, ठीक है, इस सर्किट की कैलकुलेशन, सी थ्री फोर कितना आया, वन ओवर सी थ्री वन ओवर सी फोर, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में रेसिप्रोकल करके ऐड करते हैं, तो यहां से सी थ्री फोर कितना आ जाएगा, हमें पता है सी थ्री फोर ओवर मल्टी डायरेक्ट यूज करो मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन टू के लिए, तो ठीक है, सी थ्री सी फोर देखिए 200 इंटू 200 बाय यूनिट, अभी रुको, तो नीचे क्या आएगा भाई, सी थ्री सी फोर एड कर दो, एड करके कितना आएगा 200 प्लस 200, इसको सॉल्व करोगे 2 × 2 = 40,000 डिवाइड बाय 400, सॉल्व करो कितना जाएगा 100, ठीक है, तो आपकी ये कितनी आ गई 100 पीको फैरेड,
C3-4 की वैल्यू, नेट कैपेसिटेंस व्हेन दीज 3-4 आर इन सीरीज, तो कितनी आ गई आपकी 3-4 का नाम दे दिया उसको 100 पिको फैरेड आ गई। कैसे आई? बाय यूजिंग सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन यूज किया हमने, ठीक है। और उसके बाद अब हम यहां पे आगे चलते हैं, थोड़ा सा इस सर्किट को फिर से इसका इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही हम यहां पहुंचे फिर से वही पाथ, यहां पहुंचे फिर से टू पाथ में डिवाइड हो रहा है, तो यहां पे अब सिंगल है, यहां पे भी सिंगल है, ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहां से पाथ अलग अलग हो रहा है, ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा आपका? बहुत वो तो बहुत सिंपल बनेगा, ठीक है। दिस इज योर सिंपल, ये सप्लाई, ये आपका C1 और ये C2 C3-4 दोनों मिल गए, ये आपका नेट रह गया C2-3-4। जैसे जैसे मिक्स करते जा रहे उसका नाम बढ़ाते चलो, ठीक है। तो ये आपका दोनों कंबाइन हो गए और आपका ये C3-4 की वैल्यू, ठीक है, और ये आपका अब हमें किसकी वैल्यू बन करनी है? 2-3-4 की। अब ये यहां से इस सर्कल से देखिए 2-3-4, ये दोनों का ये कहां से कॉम्बिनेशन हुआ? इन दोनों का, ये दोनों कहां पे है? पैरेलल में। पैरेलल में क्यों है? क्योंकि इनका पाथ यहां से क्या हो रहा है? अलग अलग पाथ हो रहा है, ठीक है। सो 2-3-4 के लिए सीरीज पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्टली ऐड कर दो। जब ऐड करोगे तो देखिए C2 की वैल्यू कितनी है, हमें गिवन है 100, C3-4 की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की वो भी 100, तो कितना आ जाएगा ये 200 पिको फैरेड, वेरी सिंपल, ठीक है। सो बहुत सिंपल है भाई। सो C3-4 की वैल्यू क्लियर होगी, C2-3-4 की वैल्यू क्लियर होगी। उसके बाद अब हमें नेक्स्ट से अब थोड़ा सा इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। कैसे आई पता चल गया, 100 पिको फैरेड तो इसकी आप सिंपल, यहां पे इसकी 200 पिको फैरेड, तो यहां पे आप इसकी सिंपल में वैल्यू लिखिए 100 पिको फैरेड, और C2-3-4 की वैल्यू कितनी है? 200 पिको फैरेड, क्लियर। अब हमें अभी तो एक बाकी है, फर्स्ट वाला कैपेसिटर बाकी है, इसकी फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटर बनाओ लास्ट वाले का। अब इससे इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या बनेगा भाई? दोनों सीरीज में है, यहां से शुरू होगा तो पाथ सेम है दोनों का, सीरीज में होगी, तो यहां पे इसका नाम दो C1-2-3-C4, ठीक है ना। चार मतलब समझा, 1-2-3 को इतना बड़ा नाम देने की जरूरत नहीं है, C-C-S-S कुछ भी दो नाम आपकी मर्जी है, पर आपको समझ में आ जाएगा कि चारों कंबाइन हो गए, एक कैपेसिटर बन गया, तो यहां पे वोल्टेज तो है ही जो हमें दे रखी है V, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस C1-2-3-4 की कितनी आ गई? सीरीज में है तो सीरीज के लिए फिर से आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करके ऐड करना पड़ेगा, तो 1/1, तो आप डायरेक्ट लिख लो C1-2-3-4 की वैल्यू आएगी कैसे? दोनों कौन से कैपेसिटर हैं? C1 मल्टीप्लीकेशन C2-3-4, C1 प्लस C2-3-4, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पुट करो, C1 की वैल्यू कितनी है? 100, C2-3-4 की वैल्यू 200, डिवाइड बाय ऐड करोगे 300, 00 कैंसिल, कितना जाएगा आपका 200 डिवाइड बाय 3 पीको फैरेड, यूनिट तो वही रहेगी, ठीक है। तो C1-2-3-4 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 बाय 3 पीको फैरेड। बेटा उम्मीद है मुझे आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ये ओरिजिनल सर्किट है, ओरिजिनल से फर्स्ट सर्किट बनाया, सेकंड बनाया, थ्री, ये जितने भी सर्किट बन रहे हैं दे ऑल आर योर इक्विवेलेंट सर्किट्स, समझ लो। बाद में तो आप एक ही सर्किट से सारा काम कर सकते हो, ठीक है, समझ लो, इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, बट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद कितने भी क्वेश्चन करोगे आराम से बनाएंगे, ठीक है ना। तो इतने सर्किट बनाने का मतलब आपको डिटेल में समझाना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने हर कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज एंड उसका पोटेंशियल भी तो फाइंड आउट करना है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया हर हमारी, तो इसको अभी ये सीरीज में था तो सीरीज का फॉर्म लगा कि नेट कैपेसिटेंस, तो हमारी नेट फाइनल कैपेसिटेंस सर्किट की कितनी आ गई? 200 बाय 3 पीको फैरेड, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि हमारी C1-2-3-4 की वैल्यू कितनी आ गई? 200 बाय 3
पीको फैरेड, ये हमारी आ गई फाइनल नेट कैपेसिटेंस या फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया हमें। ठीक है, ओके क्लियर। तो आगे चलते हैं, आगे हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें चार्ज फाइंड आउट करना है एंड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के अक्रॉस पता करना है। इस अब हमें पहले हम ओरिजिनल से इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हुए नीचे तक आए टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, अब हम यहां से ऐसे चलेंगे, हमें चार्ज और पोटेंशियल फाइंड आउट होते जाएंगे वेरी इन ए वेरी इजी वे। पर आपके माइंड में क्या होना चाहिए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बेसिक बातें ध्यान में होनी चाहिए कि किसमें चार्ज सेम एंड पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरू करते हैं पहले बेसिक सर्किट से ना। तो सिंपल, एक कैपेसिटर है एक पोटेंशियल है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो यहां पे टोटल चार्ज फाइंड आउट कर लो इस पूरे कैपेसिटर पे कितना है। ठीक है, इस फुल सिंगल कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना है, सो दिस इज योर क्यू इज इक्वल टू से C1, C2, C3, C4, V पोटेंशियल। क्लियर, तो इसकी जो वैल्यू हमें मालूम है 200/3 पीको फेरेड इनटू पोटेंशियल कितना है, वेरी गुड, तो दिस पोटेंशियल इज कितना गिवन है हमें 600 वोल्ट, बस सॉल्व हो गया, तो कितना आ जाएगा आपका 440,000 पीको, है ना, सो पीको कूलम। तो ये आपका चार्ज आ गया इन ऑल फोर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैपेसिटर, इस पूरे कैपेसिटर पे आपका कैपिटल क्यू चार्ज आ गया, दैट इज 40,000 पीको कूलम, इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, क्योंकि हमें आगे जाना है तो पोटेंशियली फाइंड आउट करना है तो ये इजी रहेगा। ओके, तो चार्ज हो गया हमारे पास इस कैपेसिटर पे इतना। अब ये वाला कैपेसिटर देखिए आप किसके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, so this capacitor is formed from the combination of C1, C2, C3, 4. ये दोनों capacitor के combination से बना हुआ है, और ये combination किस form में है, series और parallel में, ये दोनों है आपके series form में, तो आपको पता है कि in the series charge on each capacitor remains same, clear? तो ये capacitor कितना भी चार्ज आया ये वाला, तो this charge 40,000 पीको कूलम इज इक्वल टू सीरीज में जितने भी कैपेसिटर हैं दोनों पे सेम चार्ज होगा। ठीक है, तो Q1 पे भी इतना चार्ज होगा 41st कैपेसिटर एंड Q2, 3, 4 पे भी इतना ही चार्ज होगा। क्लियर, एंड दिस नेट चार्ज इज दिस कैपेसिटर इज फॉर्म्ड फॉर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कैपेसिटर्स, और इस पे जितना चार्ज है सीरीज में भी उतना ही सेम रहता है, तो सीरीज में सेम होने के कारण दोनों पे चार्ज क्या होगा आपका सेम 40,000 पीको कूलम। तो इस पे तो चार्ज आ गया, फर्स्ट हमारा फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया, Q1 कितना आ गया आपका 40,000 पीको कूलम। ओके, अभी 2, 3, 4 बाकी है ना, पहले हम अब जब फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्ज लग गया पता उसपे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल इज डिफरेंट। ठीक है, तो हमें नेट कैपेसिटेंस पता है, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी है हमारे पास, सी नेट कितना है हमारे पास, दिस इज योर 200/3 पीको फैरेड, ये हमें पता है। ठीक है ना, तो हमें क्या, हमें नेट कैपेसिटेंस इस पूरे सर्किट की मालूम है, और सॉरी हमें फर्स्ट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम है, दैट इज 100 पीको फैरेड। ठीक है, और हम फर्स्ट कैपेसिटर की अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ज तो पता चल गया, नेट चार्ज फाइंड आउट करने के बाद चार्ज पता चल गया, अब फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ गया, तो फर्स्ट कैपेसिटेंस हमें पहले गिवन है, तो फर्स्ट कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर लू, क्यू इज इक्वल टू सी वी, वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी वन। ठीक है, सो क्यू वन कितना है 40,000 पीको कूलम डिवाइड बाय सी 100 पीको फैरेड, पीको पीको कैंसिल और यूनिट पोटेंशियल की बन जाएगी कूलम ओवर फैरेड। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो कितना आ गया 400 वोल्ट्स आ गया, तो 400 वोल्ट हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर की क्या आ गई, पोटेंशियल।
अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको आप यहां पे साइड पे लिखते जाओ, ठीक है। तो इस कैपेसिटर पे फर्स्ट कैपेसिटर का जो चार्ज है वो हमारा आ गया 40,000 पीको कूलम, एंड फर्स्ट कैपेसिटर पे पोटेंशियल कितना आ गया हमारा 400 वोल्ट। देखिए बेटा, समझाने में बहुत समय लगेगा, बट जब समझ आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम आगे रुकेगी भी नहीं, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करना। ओके, तो फर्स्ट कैपेसिटर क्लियर, सो लेट्स कम टू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैपेसिटर, आगे चलते हैं, ठीक है। तो अभी इसको लिखे रहे हैं, जब जिसकी जरूरत नहीं होगी हम इरेज करते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो यहां तक पहुंच गए ना हम। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है हमें पता है, इसके ऊपर भी चार्ज कितना है हमें पता है। अब इसको लेकर के चलो, इसको उठा लो, ठीक है। अब C2, C3, 4 के ऊपर चार्ज कितना है 40,000 पीको कूलम, हमें क्लियर है। अब इसके ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा हमें ये भी पता कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें इसकी कैपेसिटेंस पता है C2, 3, 4 कितनी है 200 पीको कूलम। इसके ऊपर चार्ज कितना है, दैट इज 40,000 पीको कूलम। तो C V 2 3 4 भी फाइंड आउट कर लो। कैसे फाइंड आउट करोगे, सेम वे से Q 2 3 4 डिवाइड बाय C 2 3 4, ठीक है। तो यहां पे V 2 3 4 फाइंड आउट कर लो, Q 2 3 4 कितना है, दैट इज 40,000 डिवाइड बाय C 2 3 4 कितना है कैपेसिटेंस 200। इसको रेज कर दो, खत्म कर दो, कितना आ गया ये आपका 200 वोल्ट्स आ गया, ठीक है। 2 3 4 पे जो आपकी पोटेंशियल आ गया, कितना आ गया वो 2 3 4 वोल्ट्स आ गया पोटेंशियल, क्लियर। अब क्वेश्चन को रेज कर देते हैं, ठीक है, स्पेस बच जाएगी हमारे पास। ओके, तो हमारे पास इसके ऊपर चार्ज कितना है 40, इसका पोटेंशियल कितना है 200 वोल्ट, इसके ऊपर ये तो खत्म ही हो गया क्योंकि सिंगल है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड होगी। इस कॉम्बिनेशन को देखना है, अब इस कॉम्बिनेशन को आगे लेके चलो, एंड दिस 2 3 4 कॉम्बिनेशन इज कहां से बना, ये फॉर्म फ्रॉम दिस टू C2 एंड C3 4, दिस C2 एंड C3 4 से बना हुआ है, ठीक है। तभी तो 2 3 4 3 4 अलग अलग इकट्ठा लिखा हुआ है, 2 अलग अलग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होके 2 3 4 बना हुआ है। अब यहां से देखिए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये किसका बना हुआ है 2 3 4, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी पैरेलल में क्या होता है, चार्ज इज डिफरेंट, पोटेंशियल रिमेन्स सेम, ठीक है, पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो यहां पे पोटेंशियल कितना है 2 3 4, एंड V2 यहां से लिखो V 2 3 4, एंड यही पोटेंशियल आपका किसके क्रॉस होगा, वेरी गुड, V 3 4 का भी इतना ही होगा, V 2 का भी इतना ही होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 200 वोल्ट। ये कैसे आया बेटा, ध्यान से समझ लो, क्योंकि दिस इस कैपेसिटर के क्रॉस हमने पोटेंशियल निकाल लिया, चार्ज भी हमें मालूम है, बट दिस कैपेसिटर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस C2 एंड C3 4 कॉम्बिनेशन, एंड दिस पैरेलल के कारण पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है आपका, सेम रहता है। दैट इज वाई जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस उतना इसका, उतना इसका होगा, तो दिस इज योर 200 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास अब V2 सेकेंड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना है वो हमें क्लियर हो गया। अब हम चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें चार्ज तो अलग अलग है क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और हमें पता है कि पैरेलल में चार्ज क्या होगा, अलग अलग होगा। हमें C2 भी मालूम है, C2 हमें मालूम था भाई कितना है, C2 C1 C2 100 था हमारा, C2 100 पीको फैरेड था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, हमने रेज कर दिया वो। C3 4 भी कितना है हमारा, C3 4 तो हमने फाइंड आउट कर रखा है, दैट इज 100 पीको फैरेड, है ना। तो ये हमें क्वेश्चन इंडिविजुअल का हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए C2 V2 हमें पता लग गए, तो Q2 निकालो, वाई नॉट Q2 इज इक्वल टू C1 C2 V2, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया C2 V2 करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 200 × 100 कितना आ गया 20,000 पीको कूलम, वेरी गुड। सो दिस इज योर Q2
चार्ज, ठीक है। तो क्या वो चार्ज आ गया आपका कितना 20,000 पीको कूलम, ओके। क्यू टू आ गया, वी टू तो हमें ऑलरेडी पता चल गया वी टू कितना है 200 वोल्ट, ठीक है, वी टू भी पता चल गया, तो सेकंड कैपेसिटर भी हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड एंड फोर्थ कैपेसिटर की, तो थर्ड फोर्थ कैपेसिटर की हमें वोल्टेज पता है 200 वोल्ट एंड थर्ड फोर्थ कैपेसिटर का हमें कैपेसिटेंस पता है, हाँ कैपेसिटेंस पता है कितनी है 100 वोल्ट है, पोटेंशियल पता है, कैपेसिटेंस पता है, चार्ज निकालो। तो अभी हम चलिए यहां निकाल लेते हैं, थोड़ी स्पेस बाकी है, तो Q3 4 इज इक्वल टू CV मींस C3 4 इंटू V3 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इसको यूज कर दो, ठीक है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा C3 4 कितना है 100 पिकोफेरेड, V3 4 कितना है 200, तो कितना आ जाएगा ये अगेन 20,000 C3 4, ठीक है, कूलम पीको कूलम, ओके। सो ये भी आपका कितना आ गया 20,000 पीको कूलम 3 4 के क्रॉस, ठीक है, बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला C3 4 हमें तो इसकी कैपेसिटेंस मालूम है, ठीक है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है हमें वो भी मालूम है 200, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया C3 4 इंटू दिस 20,000 पीको कूलम, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा ये चार्ज भी हमारा क्या हो गया, चलो सेम आ गया बाय डिफॉल्ट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, सो C3 4 कितना आ गया हमारा 20,000। तो हम जैसे जैसे पता करते हैं लिखते जा रहे हैं, ठीक है, अब हम C3 4 को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, C3 4 का पोटेंशियल भी मालूम है, चार्ज भी मालूम है, कैपेसिटेंस भी मालूम है, चलिए आगे चलिए। C3 4 किसके साथ बना हुआ है, किससे बना हुआ है, C3 4 जो कैपेसिटर है दिस इज फॉर्मड फ्रॉम दी C3 C4 को कंबाइन करने से बना हुआ है, एंड ये दोनों कॉम्बिनेशन कौन सी फॉर्म में है, दिस कॉम्बिनेशन इज इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन, तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्ज इज सेम पोटेंशियल इज डिफरेंट, ठीक है। तो यहां से बस ये क्लियर हो जाएगा कि यहां से ये इज फॉर्म फ्रॉम टू कैपेसिटर्स सीरीज में है, तो दोनों के ऊपर C3 C4 के ऊपर जो चार्ज होगा दैट इज आल्सो सेम 20,000 पीको कूलम, इतना ही चार्ज होगा, चलिए सीरीज है भाई, जितना चार्ज इसके क्रॉस है, ठीक है, इसके क्रॉस है उतना ही इन दोनों के क्रॉस होगा, तो 20,000 पीको कूलम, तो चार्ज फाइंड आउट हो गया। अब हमें C3 की कैपेसिटेंस मालूम है, वो क्वेश्चन में गिवन थी 200, C4 के ऊपर भी हमें कैपेसिटेंस मालूम है, वो भी सेम थी, ठीक है, हमें क्वेश्चन में दी गई थी ये C3 C4 की कैपेसिटेंस 200 पिकोफेरेड, ओके। तो इसको भी रेज कर दो भाई, इसको रख लो क्योंकि ये आपकी नेट कैपेसिटेंस है, ठीक है, सो दिस इज योर नेट कैपेसिटेंस 200/3 पिकोफेरेड, ओके, यहां से रेज कर दो 200/3 पिकोफेरेड, तो आप नेट कैपेसिटेंस लिख लेंगे बाद में, ठीक है, तो यहां पे लिख लो आप नेट कैपेसिटेंस, तो मुझे याद रहेगा यार, तो मैं इसलिए बोल दिया बाद में लिख लेंगे, तो आप यहां पे लिख सकते हो 200/3 पिकोफेरेड, ओके। तो यहां से चलिए आगे, Q3 मालूम है, C3 मालूम है, V3 कितना होगा, Q is equal to CV, V is equal to Q3 by C3, Q3 कितना है 20,000, C3 कितना है 200, कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया आपका, ठीक है, पैसे ही निकालो आप, हम क्योंकि हमें Q4 भी मालूम है, C4 भी मालूम है, तो V4 कितना आ गया Q4 by C4, Q4 अगेन सेम, ये भी सेम है, तो कितना आ जाएगा, ये भी 100 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो देखिए हमें हर कैपेसिटेंस, हर ये रहा हमारा यहां पे, अब
अब हम इसको इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहां से हमने Q3 निकाल लिया, कितना आया Q3 20,000 पीको कूलम, तो V3 कितना आया, वेरी गुड 100 वोल्ट, ठीक है। सिमिलर Q4 कितना आया, सेम पीको कूलम, V4 कितना आया, वो भी कितना आया आपका 100 वोल्ट आ गया। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए थी हमें मिल गई अक्रॉस ईच एंड इंडिविजुअल कैपेसिटर, क्लियर, समझ आ गया बेटा। तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमें चार्ज पोटेंशियल चाहिए था, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और इस होल सर्किट की नेट कैपेसिटेंस कितनी है वो भी हमें फाइंड आउट कर ली। तो ये रही हमारी बेसिक सी इंफॉर्मेशन है एक एग्जांपल के साथ, मिक्स प्रॉब्लम के मिक्स एग्जांपल के साथ, जहां पे सीरीज भी है पैरेलल भी है, कैसे हमें हर कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल चार्ज फाइंड आउट करना है, तो कैसे हमें नेट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। बस आप ये ध्यान में रखिए कि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेसिक आपको माइंड में होना चाहिए, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू मोर मिक्स प्रॉब्लम कॉम्बिनेशंस, ठीक है, कैसे हमें इक्विवेलेंट सर्किट को लिखना है तोड़ तोड़ के, ठीक है। टिल देन आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, गुड लक, थैंक यू।